दोस्तों NHAI के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आपस में कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब NHAI के द्वारा लखनऊ से भोपाल के बीच 4 लेन का एक नया हाईवे बनाया जा रहा है, परंतु इस 4 लेन के हाईवे का पूरा स्ट्रक्चर 6 लेन के एक्सप्रेसवे के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जिससे फ्यूचर में इस हाईवे को 6 लेन के एक्सप्रेसवे के रूप में एक्सपेंड किया जा सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं भोपाल से लखनऊ तक बनने वाले इस हाईवे के बारे में, इसका क्या रूट होगा तथा यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का इंफ्राटेक की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अब NHAI के द्वारा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक 4 लेन हाईवे का निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो लखनऊ से भोपाल तक जाने के लिए लोगों को झांसी होकर जाना पड़ता है, जिसमें 10 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। परंतु अब लखनऊ से भोपाल तक बन रहे 600 किलोमीटर के इस हाईवे से यह दूरी महज 6 घंटों में पूरी की जा सकेगी। अगर इस हाईवे के रूट को देखा जाए तो लखनऊ से शुरू होकर कानपुर तक यह हाईवे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के रूप में जाएगा। इसके आगे कानपुर के नौबस्ता से करवई तक यह हाईवे 124 किलोमीटर का होगा, जो पुराने नौबस्ता करवई हाईवे के समानांतर ही बनाया जाएगा। करवई के आगे चलकर यह हाईवे सागर तक 245 किलोमीटर का नया ग्रीन फील्ड हाईवे होगा, जिसका निर्माण कार्य 5 चरणों में किया जाएगा। इसके आगे यह हाईवे सागर से होते हुए भोपाल तक जाएगा, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर की होगी तथा इस पैच का निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। NHAI ने बताया कि 4 लेन के इस हाईवे का पूरा स्ट्रक्चर 6 लेन के एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जाएगा, जिससे भविष्य में इसे 6 लेन के एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा NHAI ने इस हाईवे का अपडेट देते हुए बताया कि करवई से भोपाल के बीच जमीन अधिग्रहण का गजट पूरा हो चुका है तथा अगले महीने सितंबर से इस हाईवे के सभी सेक्टर के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे 3 साल में इस हाईवे का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।